नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पवई जनपद पंचायत पवई की कार्यप्रणाली इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और मनमानी का राज चल रहा है। जागरूक लोगों द्वारा ग्राम पंचायतों के कारनामों की जानकारी जनपद पंचायत अधिकारियों तक पहुंचाई भी गई, लेकिन केवल एक ही रटी रटाई बात हर बार बताई गई कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसकी जांच कराने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। इस पंचायत में पत्थर उपलब्ध होने के बावजूद 50 लाख रुपए से ज्यादा की खाखरी निर्माण कर की गई, जो जांच का विषय है। यहाँ लोग शासन के आदेश के बावजूद काम के लिए भटक रहे हैं। इस पंचायत में कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि सरपंच द्वारा अपने नजदीकी परिजनों या स्वयं के नाम पर ही सरकारी राशि आहरित कर ली जाती है। 15वें वित्त के अंतर्गत 1,80,000 रुपए की लागत से नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें रात भर जेसीबी मशीन द्वारा कार्य कराया गया, जबकि मजदूर काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिस जगह इस नाली का निर्माण किया जा रहा है वहां पर 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड को तोड़ा गया। यह बात जब सीईओ प्रसन्न चक्रवर्ती को बताई गई तो उन्होंने कहा कि जाँच करवाएंगे और कार्यवाही करेंगे। अब देखना यह है कि यह जाँच किस स्तर पर पहुँचती है। सरपंच सचिव के द्वारा होगा ये काम, जेसीबी जे मतलब आरसीसी यहाँ से तोड़वाई गई हो। हाँ। और जेसीबी चलती रही रात को, उससे तोड़वाई गई है। मजदूरों को हमारा गांव भरे में मजदूर भूखे घूम रहे हैं, इनको कोई काम नहीं मिल रहा है। और जेसीबी से काम कराया गया, मजदूरों से टूना कराया गया। जब हमारे यहाँ गांव में पूरा मजदूर वर्ग है और पूरा भूखा भी है, कोई काम नहीं है, फिर लॉकडाउन में से भी भूखे मर रहे हो सही, आज भी भूखे मर रहे। कुछ कर दो रुपए का तो काम नहीं है, आज तक दिया ही नहीं गया। पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं मिला आज तक मजदूरों को। बताए। देखो भैया, सरपंच साहब की यहाँ पंचायत में कोई सुनाई नहीं कर रहे, और गुंडई कर रहे, वो कर रहे, वो गरीब आदमी, हम लोग काम के तरफ रहे लॉकडाउन की वजह से, और रात में जी सी चली, सरपंच साहब ने चलवाई, और मतलब कोनो काम के लाने हमें कोनो काम ही नहीं दे रहे थे। जी सी बी से हम पूरी लॉकडाउन में बहुत तोड़वा डाली, पूरी सी 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 तोड़वा डाली। मनरेगा के कार्यों में खुलेआम जेसीबी मशीनों से कार्य हो रहा है हाड़ा पंचायत का, उसमें क्या कहेंगे आप? अभी ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपने अभी एक मुद्दा उठाया है हाड़ा पंचायत का। हाड़ा पंचायत में नाली का निर्माण हो रहा है, और आपके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर सीसी को खोदा गया है। अभी फोन से जानकारी लेने पर सब इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि इस वहाँ पर बस्ती में काफ़ी जल भराव की स्थिति निर्मित होती थी, और वहाँ पर छोटी नाली बनाने से काम नहीं हो रहा था, तो एक बड़ी नाली बनाई जा रही पाइप डाल के, इस कारण से सीसी रोड को खोदा गया है। और चूँकि ये भी जानकारी दी गई है कि ये सीसी रोड कम से कम 7 से 8 साल पुरानी है, बाकी हम एक बार फिर से असिस्टेंट इंजीनियर को वहाँ भेज कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे, और यदि नई सीसी को खोदा गया होगा तो इस पर कार्रवाई करेंगे। सर ये ऊपर से शासन से जेसीबी निर्माण कार्य पूर्णतः बंद है, और जेसीबी द्वारा कार्य कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जेसीबी से कार्य कराने के अभी कोई सबूत हमें मिले नहीं हैं हाड़ा पंचायत में। यदि कोई सबूत मिलते हैं तो आप ज़रूर उपलब्ध करवाएं, हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। जी ग्रामीणों को काम ना मिलने से महानगरों के लिए प्लान कर रहे हैं पंचायतों से, इसमें थोड़ा सा देखिए, ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम चल रहे हैं, और सभी को निर्देश यही है कि स्थानीय स्तर पर सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं, और यदि कहीं पर भी जेसीबी की ऐसी कहीं घटनाएं आती हैं और मेरे संज्ञान में कहीं से भी आता, तो मैं स्वयं जाकर वहाँ उस पर एक्शन लेता हूँ, और ये मशीनों से कार रुकवाता हूँ, और उन पर यदि कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी तो वो भी की जाएगी। ये 15 लाख की RCC तोड़ी गई है सरपंच के द्वारा, ग्रामीणों ने बताया है कि ये 2 फुट खोदने थी, लेकिन सरपंच के द्वारा मतलब 6 से 8 फुट खोद रखी है। मैंने वही आपसे बोला है कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर को भेजकर उसमें वस्तुस्थिति की जानकारी लूँगा कि उसमें एस्टीमेट क्या था, क्या परिस्थिति थी कि इतना हमें गहरी नाली खोदनी पड़ी, इसके बाद ही
हम आपको बस स्थिति की जानकारी दे पाए। खबर समय जगत के लिए पवई से शफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।